चलते हैं माउंटेन ड्यू। सबसे ऊंची डाइव मारने जा रहा तुम्हारा भाई, तो वो छाती में लगी है भाई साहब तगड़ी। जंगला तो लोगों दो स्टार्ट। तो नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, जैसे कि माँ ने आपको कितने बार समझाया कि ऐसे जंगलों में आग ना लगाया करे। देखिए आप पीछे देखिए, दिख रहा है? हाँ। तो दिखाइए, जूम हटाइए, मेरी तरफ लाइए। तो वहाँ पे जैसे ये घास रहती है ना, तो जैसे सूख गई तो इसके ऊपर घोंसला रहता है, तो जिसमें पक्षियों का जल जाता है और पक्षियों के बच्चे बच्चे मर जाते हैं। और कितने पक्षी अपने बच्चों के चक्कर में उठते नहीं है वहाँ से, वो भी जल के मर जाते हैं। ऐसे मत किया करो, जंगली जानवर इसी कारण हमारे सड़क में आते हैं, जैसे बाघ वगैरह, हिरन, भालू, रिक, मतलब जो भी जानवर है वो सारे सड़क में आते हैं, जिससे हमको खतरा होता है। और यहाँ पे मेरे को बहुत सारे लोग इधर उधर से देख रहे हैं, मेरे को भी शर्म आ रही है। पर आप प्लीज आग ना लगाएं जंगल पे। सेव द ट्रीज ऑन दिस अर्थ, नीड टू सेव ट्रीज। ये देख सकते हैं नेचुरल वाटर निकल रहा है, यानी शुद्ध पानी पहाड़ों से। ये देखिए, इसको पी भी सकते हैं, जो बरिंदर भाई पी रहे, पियो दो या ले, मैं पी के दिखाता हूँ आपको। नेचुरल वाटर ये जो पहाड़ों से निकल रहा है। देखिए उत्तराखंड में ना खाने की कमी है, ना पीने की कमी है, ना रहने की कमी है, बस जो कमी है वो रोजगार की है थोड़ी सी। अगर रोजगार भी यहाँ मिलने लग जाए ना, तो उत्तराखंड जितने भी लोग हैं वो कभी उत्तराखंड को नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी बहुत भी आमदनी हो जाए। और जंगली जानवरों का, मतलब जो जंगली जानवर हैं उनका भी बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ पे। जैसे हम सब्जी वगैरह उगाते हैं, तो पलायन के कारण लोगों ने घर छोड़ दिया, तो जंगली जानवर को भी कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, तो खेतों में और अलग अलग जगहों पर हमला कर रहे हैं। खेतों में मतलब सब्जियों पर हमला कर रहे हैं, और जो शेर वगैरह है वो हमारी गायों पे हमला कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ उत्तराखंड में थोड़ा सा कुछ ऐसा रोज़गार मिले कि हम उत्तराखंड ना छोड़े। तो जय हिंद। आपको अगर ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। तो एक और जगह मिली हमको पानी पीने की, देखिए यहाँ पर पानी पियेंगे। पानी वैसे गंदा लग रहा होगा पर पानी बिल्कुल साफ है, नेचुरल। हाथ में दिखा देता हूँ मैं भी उसको, पानी दिखा दी जरा कंचा, ये देखो बिल्कुल क्लियर। तब यहाँ पे पानी पीते हैं तीनों भाई। तो देखिए गाइस क्या क्लीन वाटर है, बाल को मत देखना, पानी को देखो। एक बार अब ऐसे पियेंगे थोड़ा। ये देखिए क्या साफ पानी है, अब देखिए क्या साफ पानी है, एक भी धूल मिट्टी कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ। अभी पी लेते हैं पर नीचे पानी नहीं है। तो गाइस हमारे इधर सबसे ख़तरनाक नदी बोली जाती है इसको, ये दुबलू ढंड। इसमें बहुत सी लोगों की जान भी जा रखी है, और अब तो कम हो गई, क्योंकि पानी देखिए कितना कम हो गया। जब पानी यहाँ तक आता है ना भर के, तो यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा रहता था। आज हम इसमें नहाने की कोशिश क्या करेंगे, नहाने जा ही रहे, क्योंकि जो काम कोई नहीं करता वो काम हम ज़रूर करते हैं। तो ये देखिए तैयार हो गए इधर, और अभी हम डाइव मारने की वीडियो दिखाएंगे। टी शर्ट नहीं उतार रहा, तो अभी जोड़ दूंगा मैं इसको। तो ये रही हमारे इधर की सबसे खतरनाक ढंड, दुबलू ढंड, जिसने नहीं देख ली आज देख लो। अब मेरे को भी डर लग रहा है, पर कोई बात नहीं, डर के आगे जीते माउंटेन ड्यू। डर के आगे जाएंगे नहीं, इस तरफ थोड़ा कम है तो इधर ही नहाएंगे, यहाँ से मारेंगे। आए
गर्मी बड़े आइए घोड़ा अरे भैया मजबे कह रहे मैं आधी में डूब जाएगा आप भाई पाल्टी मारे हमने ना पक्का खिलाएगी चल बड़ा लाग उन्हें दिखा दी फोन नहीं छोड़ ये में जुड़ जानी छाती में लगी है भाई साहब तगड़ी छाती फूटी है इसीलिए बोलता हूँ डाइव देखिए कैसी होनी चाहिए डाइव देखिए इधर देखा डाइव दिखाता हूँ आपको कैसी होनी चाहिए हाथ अंदर मुंडी अंदर तब शरीर जाना चाहिए अंदर लाल हो गई इसकी छाती पहले हाथ अंदर जाना चाहिए इधर दिखा देख रहे हाथ अंदर जाना चाहिए पहले देखिए मैं आपको दिखाता हूँ गहरा कहाँ पे इस जगह पे उधर से जाइए एक बार दम है तो उधर से यहीं से उस तरफ से जाना तैरते हुए वो देखिए वहाँ पे है सबसे ज्यादा गहरिया इस एरिया में जहाँ पे पूरा ना ये एरिया है बाकी उधर तो ठीक है वहाँ पे भी है उस कोने में बाकी इस एरिया में थोड़ा कम है और इसको तैरना नहीं आता है ये देखिए आपको दिखे रहा होगा इसकी छाती देखिए लाल हो गई डाइव मारनी नहीं आ रही और हम अपनी छाती दिखा देते हैं आपको ये देखिए मुंडा साढ़े उत्ते कर रहा है